नमस्कार, स्वागत आप सभी का वीके न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ दीपिका पांडे। राजस्थान के जोधपुर में घटा भंवरी देवी कांड वहां की सियासत का सबसे घिनौना कांड था, जिसके सामने आते ही आरोपी मंत्री महिपाल मदरेना की सियासत खत्म हो गई थी और इस कांड ने राजस्थान की राजनीति में भूचाल ला दिया। सेक्स कांड की सीडी सामने आने के बाद तत्कालीन सीएम अशोक गहलोत को अपने मंत्री महिपाल मदरेना को सस्पेंड करना पड़ा था। अब एक बार फिर वही जोधपुर गहलोत के एक मंत्री और सेक्स वीडियो चर्चा के केंद्र में है। दरअसल राजस्थान में सोशल मीडिया पर एक अश्लील वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो को राजस्थान बीजेपी भी अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए गहलोत सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी का दावा है कि ये वीडियो राजस्थान सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री सालेह मोहम्मद का है। ट्वीट में बीजेपी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से सालेह मोहम्मद को बर्खास्त करने की मांग की है। जिस लड़की का ये वीडियो है वो भी मूल रूप से जोधपुर की ही रहने वाली है। दो दिन पहले ही इस लड़की ने पुलिस में अपना वीडियो लीक होने की शिकायत दर्ज करवाई थी। महिला ने पुलिस शिकायत में कहा है कि ये वीडियो गलती से शेयर हो गया था। उसकी 7 साल की बच्ची ने मोबाइल में गेम खेलते हुए गलती से इसे किसी और को फॉरवर्ड कर दिया था। वहीं से ये वीडियो कई जगहों पर वायरल हो गया। महिला ने वीडियो वायरल करने वालों के खिलाफ पुलिस से कार्रवाई की मांग की थी। महिला ने शिकायत में कहा है कि 2 महीने पहले 5 लड़कों ने अश्लील वीडियो दिखाकर 25 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी और शारीरिक संबंध बनाने का भी दबाव डाला था, और जब उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो उन्होंने ये वीडियो वायरल कर दिया। पुलिस ने इस मामले में 5 लड़कों को हिरासत में ले भी लिया है। अब सवाल ये है कि इस वीडियो में दिख रहा शख्स कौन है? क्या वाकई ये राजस्थान सरकार में मंत्री सालेह मोहम्मद है? और अगर हाँ तो फिर क्या इन्हें भी चुनाव से पहले सीएम गहलोत सरकार के बाहर का रास्ता दिखाएंगे या फिर बीजेपी इसे चुनावी मुद्दा बनाकर प्रदेश में भुनाती रहेगी? इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे वीके न्यूज़। वीके न्यूज़ राष्ट्र के नाम।